डू नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अरे सर सर सर, आई एम बिग फैन, आई एम बिग फैन। ये है पंप वाले अब्दुल्ला, माशाल्लाह। पंप वाले अब्दुल्ला, अब्दुल्ला सादिक, आपका इंस्टा हैंडल क्या है? इट्स अब्दुल्ला सादिक। ओह माय गॉड, व्हाट अ कार, व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग? आई रन अ पेट्रोल स्टेशन। ओह, ही रन्स अ पेट्रोल स्टेशन, जो वहां नहीं रहता और भाग जाता है। रन्स ना, अब्दुल्ला सादिक, मैं सिगरेट पीता नहीं हूं हमजा भाई। ए, मुझे पता है आप सिर्फ सिनेमैटिक पर्पसेस के लिए पी रहे हैं। सिर्फ इफेक्ट्स डालने। हां, यस। वैसे मैं हूं नहीं ऐसा। असल में है ही नहीं सिगरेट, इधर ये सीजीआई से हमने डाला है। राइट, दो घंटा हल्की फुल्की बारिश अभी भी हो रही है और साथ धूप भी आ रही है जा रही है, बारिश भी आ रही है जा रही है। ये वाला मौसम बना हुआ है एंड आई लव इट, लव इट। मैं क्या दूजी गड्डी को जैकेट काट ले हूं। अच्छा जी, गाड़ी को थोड़ी सी सफाई की ज़रूरत है अलबत्ता, लेकिन यार मज़ा आ जाता है इस गाड़ी में बैठ के। मुझे स्विफ्ट से प्यार है। इससे पहले हमने स्विफ्ट रखी हुई थी, फिर वो बेच के दूसरी गाड़ी ली और फिर मैंने दोबारा स्विफ्ट ले ली, क्योंकि मैं कह रहा था कि भाई जितने जो मुझे इमोशनल अटैचमेंट इस गाड़ी के साथ हुई है ना, और जो एक कम्फर्ट है ड्राइव करने का, कम्फर्ट में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। सिर्फ वो सस्पेंशन की बात नहीं हो रही, कम्फर्ट ये है कि आपको टेंशन नहीं होती है गाड़ी कहीं नीचे रगड़ेगी या ये गाड़ी किसी सख्त सड़क पर चार कदम चलाने के बाद काम निकलवा लेगी या फिर इसका इंजन जवाब दे जाएगा। इट्स अ टफ कार, जो सच्ची बात है, इट्स अ टफ कार। क्योंकि मैंने जो पिछली स्विफ्ट थी उसके साथ बहुत से ऐसे मौके आए थे जहाँ पे गलती से उसके साथ थोड़ा ज़्यादा एब्यूज़ हो गया था और वो गाड़ी इट डिडंट गिव अप, चलती रहती थी, थ्रू आउट चलती रहती थी, हर जगह पहुँचाया उसने। तो वही बात है, जितने सिंपल उतने कम नखरे। तो इट्स अ लवली कार, मैं मुझे प्यार है इस गाड़ी से। और बाकी वही है, एक इमोशनल वैल्यू है। उसके अलावा इसका कैबिन मुझे बड़ा पसंद है, कैबिन इसका बहुत हाइटेड है। एक तो फ्रंट सीट्स की बात करूँ एंड प्लस इट्स अ वेरी पैनोरामिक सा व्यू, तो आई लव इट। मैं समझता हूँ कि आ जाके फ्यूल एवरेज कुछ हद तक गाड़ी की स्पेसिफिकेशन पर डिपेंड करता ही है उसकी क्या फ्यूल एवरेज है, लेकिन उसके अलावा गाड़ी की फ्यूल एवरेज जो है वो आपकी ड्राइविंग हैबिट से ज़्यादा वो उस पर डिपेंडेंट होती है। और मोर और लेस गाड़ियाँ जो हैं 19-20 का ही फ़र्क देती हैं फ्यूल एवरेज में। तो अब ये मुझे विद इन सिटी 11 देती है, रीबॉर्न भी मुझे विद इन सिटी 11 देती थी, इनफैक्ट MG भी मुझे विद इन सिटी 11 ही देती है, HS जो है। तो ये सारी गाड़ियाँ बदनाम हैं आपको 6-8 किलोमीटर देने पे विद इन सिटी, लेकिन ड्राइविंग हैबिट्स ठीक रखें तो ये देती हैं। बाकी वही है कि साथ आप इसका इंजन ऑयल वगैरह टाइमली चेंज कराएं, अच्छे ग्रेड कॉइल डलवाएं, पानी शानी चेक रखें, पूरा रखें, गाड़ी वेल मेंटेन्ड हो। 11 ये मुझे देती है, मैंने निकलवाई भी है, लेकिन मैं चलाता प्यार से हूँ गाड़ी। अगर आप थोड़ी सी रफ चलाते हैं तो ये आपको 10 दे लेगी, बाकी MG और रीबॉर्न आपको 9-10 दे लेंगी। लेकिन यही बात है, कहने का मकसद है कि 10-11 मैंने इन गाड़ी से निकलवाई हुई है एवरेज, और काफ़ी अरसे से चला रहा हूँ, 10-11 दे रही हैं। लेकिन जब मैं किसी को बताता हूँ ना कि 10-11 दे रही हैं, तो वो कोई मानता ही नहीं है इस बात को कि नहीं नहीं ये दे ही नहीं सकती। तो मेरा ख्याल है कुछ फैक्टर साइकोलॉजिकल हैं और कुछ बैड मार्केटिंग भी आप कह लें और कुछ बैड वर्ड ऑफ माउथ भी, कि एक दफ़ा गाड़ी बदनाम हो जाए इस मार्केट में कि जिसकी एवरेज नहीं अच्छी, फिर वो चाहे हाइब्रिड भी हो जाए उसका इंजन भी बदल लो, वो कहेंगे नहीं गड्डी हो वाली है ना, एवरेज नहीं सही दे दी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, तो खैर इस पर बहुत लंबी बात हो सकती है। मेरा मानना ये है कि आप गाड़ी से अच्छी फ्यूल एवरेज निकाल सकते हो, और रगड़ के अगर आप ऑल्टो को भी चलाओगे तो वो भी अच्छी एवरेज नहीं देगी। खैर ये सब बातें तो चलती रहेंगी, बातों की बात यह है कि आज मौसम बहुत मज़ेदार है। लाहौर में ऐसा मौसम कम ही देखने को मिलता था, लेकिन मैंने एक चीज़ महसूस की है कि शायद ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है या शायद कोई और वजह हो सकती है, लेकिन पिछले 2-3 साल से बारिशों का सिलसिला पहले से ज़्यादा तेज़ हो चुका है, ख़ास तौर पर लाहौर में। इस्लामाबाद की खबरें तो अक्सर आती रहती थीं कि वहाँ बारिश हो रही है, और मैं यहाँ लाहौर में बैठा बस तरस रहा होता था कि यहाँ भी बारिश हो जाए, ख़ास तौर पे जब स्मॉग का सीज़न आता है, क्योंकि वो लाहौर का एक 5th सीज़न माना जाता है।
लाहौर के साथ साथ पाकिस्तान और इंडिया के काफी सारे इलाकों का भी। खैर बात बारिश की हो रही है, मुझे लाहौर आए हुए 12 साल तो हो चुके हैं, लेकिन इन 12 साल में हर साल बारिश तो होती थी, लेकिन पिछले 2-3 साल से जो बारिश हो रही है ये पहले से कई ज्यादा महसूस होती है। शायद वही बात है कि इसकी वजह ग्लोबल वार्मिंग है, देखते हैं। बाकी हम तो आसाइशों में जीते हैं और अल्लाह की बहुत देन है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो लोग जिनकी आसाइशें कम हैं, उम्मीद करता हूँ कि ये बारिश का मौसम उनके लिए ज्यादा बुरा साबित ना हो। इस सब के साथ एक बात तो मैंने हमारी कौम में देखी है कि बड़े से बड़ा मसला भी पेश आ जाए, माशाल्लाह ये कौम खुश रहना जानती है। बहुत सी मुश्किलात से गुजरने के बावजूद भी इस कौम में जीने का जज्बा कम नहीं होता, जैसे कि अक्सर कराची के फ्लड्स में मैंने देखा है, लोग तैर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। उसके खतरे अपनी जगह, लेकिन मैं अभी सिर्फ एक ज़हनी तौर पर बात कर रहा हूँ कि उसमें भी परेशान बैठने के बजाय लड़के बाहर निकलते हैं और डुबकियाँ लगाना शुरू हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ हम इसी तरह ही खुश रहें और अल्लाह हमें अच्छे अच्छे मौसम दिखाता रहे। और अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूँ तो मुझे तो ये बारिश का मौसम बहुत पसंद है, और ये जितनी देर तक रहता है मैं तो एंजॉय करता हूँ इसको, क्योंकि ये भी तो पता ही है कि इसके बाद जो कमर तोड़ गर्मी आने वाली है उससे पहले इसको एंजॉय कर लो बेहतर है।